की रहने वाली विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने के बाद परिजनों ने मृतका के पति पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराया है। खतला थाना ओरछा क्षेत्र के ग्राम भवानीपुर की रहने वाली रूबी की शादी थाना दसराना ग्राम खरीद में 2 महीने पूर्व पूरी रीति रिवाज के साथ हरिओम और गोलू के साथ की थी, जिसके बाद उसका पति उसे नोएडा ले गया जहां वह गाड़ी चलाता था। वहीं शादी के बाद से ही स्विफ्ट डिजायर गाड़ी की मांग कर रहा था। वहीं परिजनों का आरोप है कि मांग पूरी न होने पर हरिओम ने उनकी पुत्री रूबी की गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर सबका पोस्टमार्टम कराया है। क्या नाम है आपका? सुमंत कुमार जी, क्या मामला है? कहाँ का ये मैटर? नोएडा में ये लग रहे थे। आपको कितने समय सूचना मिली है इसकी? सुबह मिली। तबीयत खराब है ये बोला है, तबीयत खराब है, मामला हॉस्पिटल ले गया है जी। आगरा किसी ने बोले, किसी ने नहीं लिया, फिर यहाँ पे लेके आए जी। तो आप आगरा गए थे तब ये किस हालत में मिली आपको? हालत अभी है। अच्छा, जो ससुराल वाले परिजन हैं कोई यहाँ पे लोग आए हैं? नहीं आए। अच्छा, छोड़ के भाग गए। कोई दहेज दहेज की मांग इन लोगों ने की थी? पहले 5 लाख रुपए 6 हज़ार गाड़ी मांग कर रहे थे। अच्छा, कितने दिनों से ये लड़की को टॉर्चर कर रहे थे? लगभग शादी के 2-3 महीने बाद से करने लगे। शादी हुए कितने समय हुआ? 16 महीने शादी हुई। 16 महीने